अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टेबल के कॉलम या रोज़ को किसी किसे रिसाइज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम अपने जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनके साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइज करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीके तो ये हो सकता है कि हम उनको माउस की मदद से करें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कुछ कमांड्स अवेलेबल होती हैं, बिल्ट इन कमांड्स होती हैं, उनको यूज़ करें। ठीक है, तो ये कमांड्स कहाँ होती हैं? ये कमांड्स अमूमन हमारी होती है लेआउट टैब है। अब हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल का जो लेआउट टैब है उसके अंदर सेल साइज ग्रुप है। ठीक है, उसके अंदर हम इस तरह से अपने जो कॉलम और रोज़ की हाइट या वेट या साइज है उसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जो हॉरिजॉन्टल रूलर है, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते रहे हैं, ठीक है, उसकी मदद से भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा टेबल की प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने जो टेबल की जो हाइट जो जो वेथ वगैरह है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने रोज़ और कॉलम्स को रिसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कॉन्टेक्स्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए, उसके अंदर हमने अपने डेटा पॉपुलेट किया, उसके बाद हमने टेबल को डिज़ाइन किया। और आज हम टेबल लेआउट पे ऑटो फिट लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसको रिसाइज करना देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कॉलम्स या रोज़ को रिसाइज करते हैं। तो बगैर कोई टाइम जाया कि मैं इस तरह करता हूँ कि अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेकर जाता हूँ। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट हमारी पहले से ओपन भी पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हमने लास्ट वीडियो में इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की थी। पहले तो बड़ा बोरिंग सा था, लेकिन इस मरतबा आपने देखा है काफ़ी बेहतर डॉक्यूमेंट लग रही है। लेकिन देखेंगे दो लाइनों पे चली जा रही है, बाकी कुछ चीज़ें सही पड़ी नहीं जा रही। तो उस सारे को हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आज आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने टेबल को क्लिक करनी है, उसके बाद लेआउट में चेक करने का, अगर ग्रिड लाइंस अनेबल नहीं है तो उनको अनेबल कर लें ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा अच्छी सी फील मिले। तो दोस्तों, इस तरह कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं पहले वाले कॉलम पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, पहले वाले कॉलम के कंटेंट्स पूरे पूरे नहीं आ रहे, तो मैं किस तरीके से इसको करूँगा। देखें, इसकी विड्थ 1.9 है, यानी हॉरिजॉन्टल या जो इस जो कॉलम की विड्थ है वो 1.9 है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ ताकि मेरे कंटेंट्स ईजिली आ जाए। उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ से इसको पकड़ कर आगे की तरफ मूव करूँगा। ठीक है, और एक टाइम आएगा कि मेरे कंटेंट सारे क्लियरली हो जाएंगे। तो ये देखें, हमारा जो विड्थ है वो 2.19 पर पहुंच गया है। पहले कितनी थी? 1.9 थी, लेकिन हमने इसे जब आगे इंक्रीज़ किया तो ये 2.19 पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये तो था। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि सेलेक्ट की कमांड को देखते हैं और बाकी चीज़ों को भी थोड़ा रिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका था मैनुअली, यानी हमने माउस से किया। ठीक है, तो आज अब हम इसके बाद पहले सेलेक्ट भी देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं इस तरह करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ें प्री डिफाइंड या जो हमारे टूल्स हैं उनकी मदद से करके दिखाऊंगा। सब अब मैं इस तरह करता हूँ, टेलीफोन नंबरों वाले कॉलम को क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ सेलेक्ट में जाता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट हमें बताता है सेलेक्ट सेल्स, यानी सेल को सेलेक्ट करने का बताता है, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो। पहले सेलेक्ट सेल करूँगा तो ये सेल को करेगा, फिर कॉलम को करूँगा तो ये कॉलम को करेगा, फिर मैं क्लिक रो को करूँगा तो ये पूरी रो को करेगा, यानी जिन जिन को सेलेक्ट किया होगा ये रो, और पूरे टेबल का होगा सेलेक्ट टेबल। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक कर लिया। तो यहाँ मैंने चूँकि कॉलम की सारी हाइट को चेंज करना है तो मैं सेलेक्ट कॉलम कर लूँगा, तो इसकी हाइट को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया कॉलम। ठीक है, तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल साइज़ के अंदर भी हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इनकी विड्थ आप देख सकते हो 0.85 है या सारा कुछ है। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यहाँ जाकर इसकी विड्थ को क्लिक करता हूँ। ठीक है, टैप करता हूँ तो 0.9। ठीक है, ये थोड़ी सी और बड़ी हुई है, और इंक्रीज़ करता जाता हूँ तो 1.1 करते जाऊँगा तो ये दूसरे टेब दो पेजेस के जो डॉक्यूमेंट टेबल था वो एक पेज पर आ गया, यानी काफ़ी डिसेंट हो गया, और एक लाइन पर तमाम हमारे नंबर के क्लियरली पढ़े जा सकते हैं। ये तो यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये चीज़ों थोड़ी बहुत इनकी मैं हाइट आप लोगों को चेक करा देता हूँ। हाइट क्या होती है? ये 0.14 है या जो कुछ भी है। ठीक है, तो इन सब की मैं हाइट आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि ये हाइट कैसे होती है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये सारे को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि यानी सेलेक्ट में जाता हूँ, यहाँ से पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी यानी हाइट रो की चेंज करनी है। ठीक है,
विड्थ कॉलम की होती है और हाइट रो की होती है, ठीक है, सब की होती है, लेकिन हम यहाँ पूरी रो की करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक तो मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं इस तरह कर लूँगा कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खोल लूँगा सेल साइज में, ठीक है, ये मेरा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और इसके अंदर मैं रो में जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ मैं इसकी हाइट स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से हाइट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया, ये हमारी जो हाइट है वो 0 शो कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करता जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ करके 0.5 करूँगा, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं हुई। चेंज कब होगी, जब मैं नेक्स्ट रो को क्लिक करूँगा तो ये इसकी हाइट चेंज होगी, जो कि 0.5 पर आ गई। तो देखें, ऊपर वाली की 0.5 है, नीचे वाली की 0.14 है, यानी इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यही एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस तरीके से हम अपने जो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कॉलम्स हैं या जो रोज़ हैं या टेबल्स हैं उनकी हाइट या रो को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा कि हम सेलेक्ट की जो कमांड है उसको कितने इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, यानी उसकी मदद से हम अपने रो को बजाय इसके कि मैन्युअली क्लिक करके सेलेक्ट करें या कुछ इस तरीके से, या पूरे कॉलम को इस तरीके से करें या टेबल को, तो उसको हम सेलेक्ट की कमांड से भी कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी यूज़फुल कमांड है। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि रोज़ या कॉलम को मूव करना देखेंगे सीखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।